तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? ऊपर तुम बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी हम जा रहे हैं शादी में। मम्मी तैयार हो गई। ये है किट्टू, मैं हूँ कुन्नू, वो है मम्मी। पापा बाहर वेट कर रहे हैं हमारा, कार उड़ के खड़े हुए हैं। अब हमें जाना है बस, बहुत लेट हो चुकी है। वैसे भी 6:30 पानी की बोतल रख ली। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो, और कोई ये नहीं बोलेगा कि पहले वाला सूट है ये, बिकॉज़ इसमें कुछ डिफरेंट है। बताओ क्या है। मम्मी अपने आप को देख रही है शीशे में, वो दिख रहा है। हेलो, ठीक है चलो चलते हैं। पापा खिड़की में जा रहे हैं तो चलो 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 गाइस मिलते हैं, चलते हैं। बहुत लेट हो चुकी है। किट्टू आ गए। सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन रिकॉर्ड है। हाँ चाची ऊपर बेटा कहाँ है भाई, मुझे दिखाना भैया। बस यार चल किट्टू, बैठो बैठो, चलो सब बस गुड। तो देखो भैया, घर से निकले थे जस्ट अभी, और पहली बार घर के बाहर ही इतना ट्रैफिक देख रहा हूँ मैं। देख लो भैया क्या हालत हो रही है ट्रैफिक की। पानी इस रोड पे यूजली इतना ट्रैफिक नहीं होता, जो होता है पीछे होता है जहाँ पे से ग्राफिक रख ले मुड़ते हैं। तो गाइस देखो, हम घर से निकले और कुछ हमारे साथ ट्रेजिडी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैक्सिमम जब जब निकले तब तक कुछ ना कुछ काम हुआ है। देखो ये पंचर हो गया, देखो ये घुस गया। ये वो है जो वेल्डिंग के काम आता है, जो वेल्डिंग करते हैं ना लोग, और फिर उसके बाद जो बच जाता है लोग वो फेंक देते हैं। ये घुसा है वो पूरा, क्या बोलना है, सिर्फ मुँह दिख रहा है। उससे याद था तो हमने फ़ोन करके बुला दिया अंकल के घर बगल में था। अंकल आ भी गए, अब ठीक करते हैं इसे, फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो तो भी यही रुके हुए दुधली वाली रोड पे, थोड़ा आगे करके देख बेटा। चलो थैंक गॉड वो लोहा जो पटपट कर रहा था वो सिर्फ टायर में घुसा था, अंदर तक नहीं गया था। चलो थैंक गॉड, और थैंक यू भैया जो एक बारी में आ गए फोन करने पे। हाँ पंचर नहीं था वो घुसा था, फाइनली निकल गए। थैंक यू भैया का जो आ गए एक कॉल पे। वहीं पे घर है। हाँ वहीं पे घर था, मतलब पाइप लटका रखा है इमरजेंसी में, महंगे करता है वो। अच्छा बच्चा है तो पता देखना। चलो ठीक है, क्या किस्मत लेके आए भैया। 8:00 करीब हम पहुंच चुके हैं। अभी बारात चली तो नहीं है, अब चलेगी। हाँ चले, हाँ दूल्हे भैया हमारे ये रहे। चलो आ जाओ, ये देखो इसे। अरे इससे फोटोग्राफर मम्मी के साथ। Thank you.
गाइस सीन कुछ ऐसा है, बारात और दूल्हा तो सारे अंदर जा चुके हैं मंदिर में और हम जाएंगे यहाँ से इधर लेफ्ट। चलो भैया यहाँ तो पहुँच गए गणपति गार्डन में। अबे तो फूड कोर्ट में खुला। अच्छा स्वागत पान पराग से होगा बल। चल आ जाए तो। कल नमन का बैठेगा ना लेडी अभी बैठे बोल रहा है ठीक है फिर मिलते हैं कभी और दिन ठीक है। ठीक है भैया बधाई हो वन सेकेंड ठीक है फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन बाय। चलो गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से। मैंने चलानी है तो भैया ठीक है अब हम शादी से घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और बारात बहुत लेट आई है एक्चुअली में और हमें देर दिन पहुंचना भी है टाइम से क्योंकि तब तक दादा दादी और सो जाते हैं इसलिए ब्लॉग बाय बाय इसलिए जल्दबाजी में हुई है ये ब्लॉग भी इसलिए जल्दबाजी में बनाए। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया देखने में तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें सब्सक्राइब कर दे हमारे सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ बाय बाय। और हाँ भैया मैं तो ये बोलना ही भूल गया व्लॉग में आज देखते हैं फास्ट टैग में क्या ड्रामे होते हैं आज फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं। असल में मेरे को ऐसा लग रहा है जो मैंने दोस्तों से भी जब कंसर्न करा ना ये बात का तो एक बात निकली कि भाई रात का समय था उसने जानबूझ के वो नहीं करा होगा स्कैन खुद नहीं किया होगा जब बोल रहा तुम्हारा नहीं स्कैन हो रहा नहीं स्कैन हो रहा क्योंकि उसको चाहिए था कैश क्योंकि कैश में जाता है डबल मनी। जैसे अगर आते वक्त मेरा मान लो 90 रुपए कटा फास्ट टैग से तो उसमें 180 रुपए कटेगा तो वो जो एक्स्ट्रा रुपए हैं वो उसके बनेंगे। शायद दोस्तों ने यही कहा कि शायद यही हो सकता है इसलिए वो फास्ट टैग स्कैन नहीं होता तभी मैंने बोला नहीं उसके बाद दूसरी बार में देख लेना लास्ट ब्लॉग में कि दूसरी बार में कैसे स्कैन हो गया उसने तब दूसरा स्कैनर मंगाया। जब दूसरे स्कैनर से हमारा फास्ट टैग स्कैन हो पा रहा है तो उसके अपने फास्ट मतलब स्कैनर से क्यों नहीं हुआ ये यहाँ से कट। ठीक है फिर अभी देखते हैं हाईवे पे मिल ही चुके हैं हाईवे पे दिखाते हैं फिर कि आज क्या बात होती है क्या ड्रामे होते हैं। ठीक है स्कैन नहीं हो रहा भैया और पीछे लो स्कैनर स्कैन नहीं कर रहा। कल भी यही हुआ था कल भी यही हुआ था इसके स्कैनर स्कैन क्यों नहीं कर रहा हर को सालों को इन्होंने ये लगाया इनको करो कहां से लगवाए। अरे हम तो पेटीएम यहीं पे यहाँ नहीं मैंने तो रुड़की बादरबाद से लगवाया दिल्ली वालों से लगवाया होगा ना। नहीं हो गया ठीक है चलो आज फिर वही ड्रामा स्कैन नहीं कर रहा
क्या मतलब समझ यहाँ पर ठीक है चलो अब घर पहुँच गए जिनका वो साइड से निकाल चलिए फिर।